छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में चना वितरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा, जो चना वितरण हो रहा है उसका मापदंड क्या है? चना वितरण हुआ है उसकी गुणवत्ता की जांच हुई है क्या? हमारे नेता जी ने जो चना उपलब्ध कराया था उसकी जांच कराइएगा। मोहला मानपुर और गरियाबंद में चना वितरण नहीं हो रहा है, इसके जवाब में मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि चना वितरण में देरी हुई है लेकिन चना वितरण जारी है। जो चना नेताजी लाए थे वो अलग है, जो हम दे रहे हैं वो अलग है। चुनाव का समय था इसलिए चना वितरण में देरी हुई है, आपके समय भी चुनाव के समय ऐसा हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि परसेंटेज में कमी आई है, अधिकारियों से बात कर लें। तो सबसे पहली बात आपत्ति इसी बात की है, सदन चल रहा है, हम मंत्री से जवाब लेंगे भाई, अधिकारियों से नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बजट में कटौती कर दी माननीय पूर्व मंत्री ने जिस प्रकार से बताया, और कहीं संचालित नहीं हो रहा है अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा मंत्री जी को गलत जानकारी दी जा रही है और इस उत्तर से असंतुष्ट होकर, क्योंकि बच्चों का सवाल है, छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है, बच्चों और महिलाओं के सवाल है, और इसमें मंत्री जी का जवाब बिल्कुल असंतोषपूर्ण है, और इसलिए हम सदन का बहिर्गमन करते हैं। पांचवा नंबर अजय चंद्राकर जी अपना प्रश्न करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न तो होता नहीं। मुझे सदन में आने के बाद ये संशोधन मिला, माने जब मैं हाउस में आ चुका था प्रश्न काल शुरू हो चुका था, ये संशोधन मिला है, और तीन परिशिष्ट प्रश्न में है जिसमें दो परिशिष्ट में परिवर्तन कर दिया गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आज तो आखिरी दिन है, आप अगले सत्र के पहले दिन के लिए इस प्रश्न को रख लीजिए ताकि खाद्य मंत्री जी और उनके अधिकारी पूरी तैयारी कर लें। ये मेरा आपसे आग्रह है, आपकी व्यवस्था इसमें कुछ निर्देश आ जाए तो। निश्चित रूप से आपके पास से उद्भूत कोई नीतिगत विषय है तो उसको पूछ लें। मैं शासन से यह कहना चाहूँगा कि प्रश्नों की संशोधन की सूचना एक दिन पूर्व विधायक गणों को आवश्यक रूप से दें, विलंब नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे सहमत हूँ, अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख रहे हैं आप। नहीं, आप प्रश्न कर सकते हैं और बढ़ाना चाहें तो उसके लिए। आप, मैं तो चाहता हूँ कि आप बढ़ा दें अगले सत्र के पहले दिन के लिए, मेरा जो अनुरोध है। भले 6 महीने विभाग को और माननीय मंत्री जी को मिल जाएगा तैयारी के लिए। एक प्रश्न तो आप शुरू तो करिए। अब मैं तो तीन परिशिष्ट में दो को पूरा बदल दिए हैं, आप तीन परिशिष्ट में दो को पूरा बदल दिए हैं, आंकड़े बदल गए, मैं क्या पूछूंगा? अब आप कहेंगे तो मैं पूछ दूंगा, वो अलग विषय है। लेकिन मेरा जो आग्रह है कि उसमें मैं जो प्रश्न की मूलभूत आत्मा मेरी ओर से खत्म हो जाएगी, मैं तो तुरंत क्या तैयारी करूंगा? तो अगले सत्र अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख लीजिए। ऐसा हुआ है विधानसभा में, पहले भी हो चुका है। आप देखिए, मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मुझे हाउस के अंदर प्रश्न काल चलते हुए ये संशोधन मिले, मैं लिफाफा भी नहीं खोला हूं, और देखा तो तीन में परिशिष्ट में दो में परिवर्तन है। तो आपसे आग्रह है, इसको अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख लीजिए। प्रश्न नहीं करना चाहेंगे ना? नहीं, आप नहीं सहमत होंगे तो मैं प्रश्न करूंगा। आप एक मिनट यार, प्लीज, थोड़ा तकनीकी विषय, नक्सलित समस्या में थोड़ा चर्चा होते। आप यदि सहमति नहीं देंगे तो मैं कुछ भी प्रश्न करूंगा, लेकिन आपकी व्यवस्था के ऊपर है, ये प्रश्न करना है मुझको। नहीं, यदि आपको लगता है सत्र के पहले दिन के लिए आप इसको शिफ्ट, इस विषय को लेकर अगले सत्र में आधे घंटे की चर्चा का रिक्वेस्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्रमांक 6 भूपेश बघेल जी आगे बढ़ गए, 6वें नंबर में आ गए, आपका प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो महिला बाल विकास का है और मेरा खाद्य मंत्री का, मैं दोनों मिला कैसे पूछ सकता हूँ? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रपत्र दिया है उसमें बहुत सारे मार्च अप्रैल में स्टॉक के उसका परीक्षण किया गया, सत्यापन किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि इसमें चना में कितने मात्रा की कमी या अधिकता या सही पाया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय,
नेताजी का प्रश्न ही ये इसमें उद्भूत नहीं होता। अरे कैसे उद्भूत नहीं होता भाई, वो पूछ रहा है चना के संबंध में, ये प्रश्न पढ़ के दे दीजिए। मेरी आप अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा कदम सम्मानजनक सर तो पूछ रहा है, आप आज देखवा लीजिए प्रश्न क्या है आपका, और कहो कितना उत्तर दूंगा। चलिए पूछ रहे हैं, बोल दीजिए पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं तो थोड़ा बोल दीजिए कि पूछ रहे हैं, बोल दीजिए पूछ रहा है जी। दूसरा दादा आ गए, एक दादा तो है। चलिए आप जवाब दे दीजिए। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, चना वितरण में थोड़ा सा विलंब हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए विलंब हुआ है कि खुली निविदा से आमंत्रित चना की दरों में अत्यधिक वृद्धि होना और दूसरा भारत सरकार से रियायती दर पर चना का आमंत्रण प्राप्त होने में थोड़ा विलंब हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन चना वितरण जारी है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। अब माननीय जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है, मैं उसी में से प्रश्न पूछ लेता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि जो चना आपने प्राप्त किया है उसकी गुणवत्ता की जांच आपने कर ली है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन और प्रश्न किया था और आपको रेपर सहित आपको 1 किलो चना दिया था। अब उसमें ये निवेदन है कि जो माननीय नेताजी ने जो आपको चना पैकेट भिजवाया है उसी की जांच करवाइएगा, उसको बदल के जांच मत करवाइएगा। एक नंबर दो, ये गुणवत्ता के परीक्षण कब कब हुआ ये मुझे जानकारी दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे नेताजी का प्रश्न था, नेताजी ने चना वितरण ही नहीं हुआ है ये प्रश्न लगाया था, लेकिन अब नेताजी समझ में नहीं आता कि वो चना का पोटी कहाँ से लाए और विधानसभा के अंदर लाए, इतने वरिष्ठ है विधानसभा के अंदर वो चना लेके कैसे आए, मैं उसने कहना चाहता। लेकिन वो जो चना दिया है वो हमारे वितरण में से नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो चना हम वहाँ से मंगाए हैं, टेस्ट कराए हैं, अधिकारी के उसमें दस्तखत सील थप्पा है, वो चना अलग है, हम जो वितरण करा रहे हैं वो चना अलग है माननीय अध्यक्ष महोदय।